शिवम कुमार जरूर 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 डालेंगे। अरे यार ग्रेड यार, अभी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं, एक औरत ही समझ सकती है। बस इसमें धर्म के समक्ष अधर्म का, न्याय के समक्ष अन्याय। नेम ग्रेड मतलब जो भी पॉइंट होगा और जो विनर होगा फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन हो जाएगा, फिर उसको प्राइज वगैरह यहाँ मिलने वाला है। कांग्रेचुलेशन, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। परफॉर्मेंस होने वाला है यहाँ पे, देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज शिवम और शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, ना स्टडी ब्लॉग है ना कोई ट्रैवल प्लस फूड ब्लॉग है, ये स्पेशली एक स्कूल का ब्लॉग होने वाला है। और मैं अभी जा रहा हूँ माउंट लिटरेजी स्कूल जो कि हाजीपुर में है, और जहाँ माही जिस स्कूल में पढ़ाई करती है और वहाँ पे मतलब उसका कार्निवाल है जिसको हम लोग विंटर वाइब बोलते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ जाकर और क्या क्या वहाँ पे होने वाला है, क्या एक्टिविटी होगा, कौन से कंपनी आ रहे हैं वहाँ स्पॉन्सर करने के लिए, कौन गेस्ट है, तो ये सारा चीज़ मैं आपको आज अपने चैनल शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग पे दिखाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून रहना, तो सारा वीडियोस प्लीज लास्ट तक देखना। वीडियोस पसंद आया होगी तो हम सब लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग। पढ़ी चलो चलो पढ़ी। सो गाइज एक्चुअली गाड़ी का शीशा ब्रेक हो गया था, उसके वजह से थोड़ा लेट हो गया। तो ये देख सकते हैं ये पूरा जो स्टिकर लगाना था, माही भी वेट कर रही होगी, उसका भी परफॉर्मेंस है। आ जा सकते हैं, मस्त स्मार्ट हैंडसम बाल वाल कटवा के हीरो बन गया। अभी हम लोग डायरेक्ट माउंट लिटरेजी स्कूल में जाएंगे, कल ही चोट लगा था। तो गाइज चलो अभी हम लोग माउंट लिटरेजी स्कूल मिलते हैं जहाँ माही का परफॉर्मेंस होने वाला है। यार हम 11 बजे स्टार्ट बोले थे बट ड्यू टू सम रीजन थोड़ा शीशा ब्रेक हो गया था, तो इसमें काम कराना पड़ गया था, तो इसलिए लेट हो गया। एंड अभी चल के माउंट लिटरेजी स्कूल में आपको सारा अपडेट आपको देने वाले हैं। प्लीज़ ब्लॉग को लास्ट तक देखना, वीडियोस पसंद आएगा जो हम सब लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग। सीट बेल्ट लगा लूँ, अभी माही का तो नहीं हुआ होगा परफॉर्मेंस। ठीक है, हाँ यही रंगत का यही स्कूल था माउंट लिटरेजी स्कूल, और इसमें इस फील्ड में खेलते थे फुटबॉल। अच्छा उधर वाले में ना फुटबॉल, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये इसका फील्ड था। और ये देख सकते हैं माउंट लिटरा जी स्कूल है, और यहाँ माही का परफॉर्मेंस वगैरह। हाउसी बलून इंस्ट्रूमेंटल मेलोडी देख सकते हैं, क्या क्या रखो, ब्रेकिंग द पॉट, ये सारा गेम होने वाला लग रहा है यहाँ पे। हिटिंग डार्ट एंड टॉस द रिंग, ये कुछ गेम होने वाला है यहाँ पे देख सकते हैं। जी स्कूल का टैग है, एडमिशन का एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए लिखा हुआ है। ये सारे चेयर जितने भी पेरेंट्स वगैरह आएंगे, और ये एंट्री गेट है। माइका सिंह होगी, एक आरू सिंह भी होगा, माइका सिंह ठीक है, हम लोग साथ में हैं। एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए एग्जैक्टली ओके, अच्छा अच्छा नहीं बढ़िया, रेगुलर कस्टमर है डिकैथलॉन के, सारे चीज डिकैथलॉन से मैं परचेज करता हूँ। अच्छा ये पटना में शॉप खुला है ना, सेंट्रल मॉल सिटी सेंट्रल के पास है ना, सिटी सेंट्रल के मॉल में। अच्छा अच्छा, तो देख सकते हैं भैया लोग आए हुए हैं, और ये स्पोर्ट्स की वजह से यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिकैथलॉन वर्ल्ड का अभी सबसे नंबर वन स्पोर्ट्स शॉपिंग मॉल है, जहाँ पे बहुत सारे आपको स्पोर्ट्स के सारे चीज मिल जाएंगे। तो भैया भी यहाँ पे आए हुए हैं, भैया कुछ बताएंगे, कुछ बताइए डिकैथलॉन के बारे में, आप कहाँ से? मैं तो बिहार से हूँ, बिहार से हूँ,
डिकैथलॉन मैंने स्टार्ट किया था शाहजहाँपुर से। अच्छा, वहाँ से स्टार्ट करके फिर अमृतसर अंदर अभी पटना में बोला है। अच्छा, मेरे सिटी में बोला है तो दिल्ली में आ गया। अभी एक साल डेढ़ महीने ही हुआ है। बढ़िया बढ़िया, सही है। तो अभी हम ऐसे ऐसे बहुत चीज़ दिखाने वाले हैं, आप मेरे ब्लॉग में बने रहना, पूरे सारे कंटेंट आपको बताने वाले हैं। भैया आओ, और ज़्यादा आपसे भी अच्छा लगा, आओ डिकैथलॉन, फिर आप और एक्सप्लोर करोगे। पक्का पक्का, मैं अभी आने वाला हूँ, कुछ और भी सामान लेना है डिकैथलॉन से। ठीक है, तो चलो ठीक है, अभी और देखिए। तो ये अली मेरा मोहल्ला का फ्रेंड है, ये भी ये स्कूल से पढ़ा हुआ है यहाँ पे, मॉन्टेसरी स्कूल। तुम कौन से बैच से थे? 2021 से ना। अच्छा, ये तुम्हारे सारे फ्रेंड हैं। हाय यार, सही, अच्छा लगा यार तुम लोग से मिल गए। नाइस टू मीट यू ब्रो। चलो आओ अंदर देखते हैं, और भी फंक्शन ब्लॉग में भी आ जाओगे तुम यार, चैनल सब्सक्राइब कर लेना पहले मेरा, ठीक है? तो अंदर चलते हैं, आ जाओ। देख सकते हो सारा अरेंजमेंट क्या हुआ यहाँ पे। क्लास से हो तुम लोग? 9 सेक्शन ग्रेड कार्नेट। अच्छा अच्छा, देख सकते हैं माई का यहाँ पे। तुम्हारा परफॉर्मेंस अभी नहीं हुआ है? नहीं, तुम मिस कर गए यार आगे वाला गणेशवंदन। किसका? तुम्हारा अभी बाकी है ना, तुम्हारा है ना अभी? हाँ, तो ठीक है ना, चलो सही है। बहुत सारे लोग मिल रहे हैं यहाँ पे यार, ठीक है। ये क्या है ब्रो? अच्छा, यहाँ पे ओके, हम लोग उसको कनेक्ट करके अपने ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके नोड एमसी वाले ऐप से। अच्छा, अरे यार ग्रेट यार, ये तो ये तुम सब खुद से बनाए हो? सारा तुम्हारा काम है ये? यस सर, मेरा और एक फ्रेंड्स का सर। अच्छा अच्छा, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा चीज़ किया हो यार। क्या रोबो कार बोलते हैं? यस रोबो कार बोलते हैं। ठीक है यार, नाइस टू मीट यू यार। कौन से क्लास है? 9th ग्रेड 9th जेड। अरे तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा, गुड नेम क्या है तुम्हारा? कुमार राघव बिहारी सर। कुमार राघव बिहारी सिंह, चलो यार बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। ये क्या है? ये क्या है? It's a dam. Okay, okay. One of the oldest dam in our country. अच्छा, name the oldest dam? What? Kalani dam. हाँ? Kalani dam. Kalani dam. Right. चलो सही है, all the best. ये क्या बनायो? अच्छा, this is your. ये क्या है? अच्छा, अच्छा इसमें करंट आता है या? नो सर, करंट नहीं आता है। अच्छा, सर्किट वैसे कंप्लीट हो। अच्छा, वाटर प्यूरिफायर है। अच्छा, कौन से क्लास से हो? 7th ग्रेड। ऑल द बेस्ट। क्या है? अच्छा, प्लेस वैल्यू चार्ट, वेरी गुड, नाइस। कौन से क्लास से हो? थ्री जेट से हो, वाह यार नाइस। तो ये सारे तुम सारे खुद ही किए हो? चलो बढ़िया है। तुम मतलब और कोई तुम्हारा पार्टनर नहीं है? एक है, दो। अच्छा, यहाँ पे है सारे इसके फ्रेंड्स का नाम, हर्षित, पीयूष, आशीष, कौशिक, क्लास 3 जेट से हो ना? नाइस नाइस, ऑल द बेस्ट।
ये क्या है? अच्छा फार्म हाउस। अच्छा और बढ़िया, ये सारा तुम खुद ही से किए हो? अच्छा यहाँ पे खड़ा किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर नेम मेंशन नहीं है ना? अच्छा कोई नहीं। ये किसका है? ये है हर्षित एंड पीयूष का है, ये भी ठीक है। ये सारा चीज है, नंबर व्हील्स है, लाइफ ऑफ बटरफ्लाई है, आरओ सिस्टम, प्लेस वैल्यू, ये सब सब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा बढ़िया से किया हुआ है। हे फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू? हाय, क्या क्या बनाए हुए? अच्छा ये विंडमिल है, इससे तो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होता है। हाँ और क्या क्या किए हो? अच्छा अच्छा अरे वाह बढ़िया यार, सही है। अच्छा ये कैसे होगा? हाँ ओके, ऐसे किस? अच्छा अच्छा नाइस यार, वेरी गुड। कौन से क्लास से हो? क्लास 2Z से हो? अच्छा अच्छा नाइस 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 यार, ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। ये क्या है? पहले सबसे पहले हैंड चेक करो यार, तुम हाथ मिला थे? अरे हाथ तो मिलाओ। हाँ ये क्या है? क्लास 4 का है। अच्छा ये है क्या? अच्छा अच्छा हाँ कोई हाँ अच्छा कोई बात नहीं। नाइस नाइस, ये सारे क्लास 2 का प्रोजेक्ट है ना? हाँ अच्छा अच्छा चलो। अच्छा यार तुम सारे का मेहनत है ना इसमें, क्लास ये 4th का है, वो सारे 2 का है ना? चलो ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट गाइस ऑल द बेस्ट। हाँ 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 अच्छा वो तुम्हारा है, वो तीसरे क्लास का है। अच्छा ओके 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 नाइस। तुम लोग इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। लो ऐसे मेरा कैप्चर करो, तुम हम ये कर रहे हो, कैमरे पे हाथ मत देना, बस कैमरे पे मत देना। शिवम कुमार IND ब्लॉग, इसको इंडिया बोलते हैं, ठीक है। शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग, ठीक है। यूट्यूब सब्सक्राइब लिख दिया, ठीक है। घर पे जाना, फोन से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तुम सारे का वीडियो आने वाला है, ठीक है। तुम सारे लोग नहीं, अभी नहीं आया, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, आ जाएगा। हाँ पक्का पक्का, गोल्डन प्ले बटन आएगा तो मैं पक्का देने वाला हूँ, पक्का पक्का, ठीक है। हाँ आएगा तो मैं तुम लोग के साथ फोटो लेने वाला हूँ, ठीक है। क्या है ये? हाँ शिवम, शिवम कुमार कुमार, वेरी गुड नाइस। ये मेरा YouTube है, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना। चलो बाय 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 बाय, जरूर 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 डालेंगे, ठीक है ठीक है। चलो बाहर आओ ना। You will get some bottles, certificates here, and you will enjoy
यहाँ पे कुछ गेम चैलेंज होने वाला है और उसका सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है यहाँ पे। ये डिकैथलॉन का सर्टिफिकेट है और यहाँ कोई जो प्राइज मतलब जो विनर होगा उसको ये प्राइज भी मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सारे यहाँ पे ऑडियंस और कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ गेम लाइक फुटबॉल है, बैडमिंटन है और ये वाटर बॉटल है और डिकैथलॉन का कुछ कुछ सामान है तो ये सारा चीज है और यहाँ परफॉर्मेंस करने वाले जो विनर होंगे उनको प्राइज मिलने वाला है। Of football goal challenge here. As we know, as we keep in our mind, if you think ever education, if you think education, you think literacy. If you play with me, I think sports. You think decathlon. Decathlon. So you all. I think sports. You will say with me. You all will say with me. Think sports. Think decathlon. Just like that, think education, think literacy. Think education, think literacy. Think sports, think decathlon. Sports, you will repeat with me. Think decathlon. Okay? So You will say together. Thank you, sports. Just demo like this. What we'll have to do? The football will be like this. You need to roam around the football like this. Say it will be 7 rounds like this. 7. How much? 7 rounds like this. Okay. Kindly have some space over there. Thank you. 7 rounds like this. You guys have 7 rounds like this. Now, after the 7 rounds, you will have to hit the goal. You will have to hit the football in the goal post, okay? Now, goal post, mein fir post karna, okay? Do you need any demo? Gotham, football is this team. Here, we can see, after every participant, you will be here and you will face your first team. Name. तो ये यहाँ पे ये बंदा यहाँ पे जो पॉइंट होगा उस सारे का वो यहाँ पे लिखने वाला है। यहाँ पे नेम ग्रेड मतलब जो भी पॉइंट होगा और जो विनर होगा फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन हो जाएगा फिर उसको प्राइज वगैरह यहाँ मिलने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अभी तो डेमो चल रहा है। Have some 7 rounds. The mano is started. The mano has started. You can see. This is the football goal challenged by decathlon. Decathlon is a sports store. Decathlon is accessible to all. One more. The mano is rounding. Now the goal. Second. Congratulations, bro. Easy. Five. Six. घूम के 7 राउंड फिर मारना गोल करना 7. वेल ट्राई ब्रो। दिख रहा है यहाँ पे नेम मानव 0 पॉइंट, शिवम राजा 1 पॉइंट है, अंकित 0. चलो अभी कंटिन्यू चलते रहेगा यहाँ पे। Kindly have some spaces, please. Okay, I'll try.
मिक्स परफॉर्मेंस है। आ गए तुम लोग, मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो, जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया में है, बच्चा बूढ़ा या जवान, सब माने हैं मेरे। गूगल गूगल नाम है मेरा। मैं वहाँ भी जाऊँगा। सामने प्रिंसिपल मैम बैठी है माउंट एटलस। तुम्हारा भी नहीं जानता। पापा के पास जाके पूछ लो ना। ओके पढ़ी आगे गई रंगत माही का अभी होगा परफॉर्मेंस। अच्छा, तो अभी माही का परफॉर्मेंस होने वाला है, अभी हम चल के आपको दिखाते हैं। तो ये माही का परफॉर्मेंस हो रहा है यहाँ पर। बंद करो इन झूठे पंचाली का, आदेश है मेरा एक शिक्षण, तुम चीर हरो पंचाली का। Mm-hmm.
पश्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। व्यास पढ़ेगा तब तक हरि कृष्ण वर्षित होंगे और उन सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। जय श्री कृष्ण। अभी और परफॉर्मेंस है तुम्हारा, अभी और है क्या? हो गया माइक लग रहा है। Education is the most powerful weapon that you can use to change the world. Education literally means a curriculum of studies that a child receives from its childhood to its youth. A child receives from its youth, from its society, family, and from its school. Our country is demographical dividend, and education provides us with job opportunities and employment. It's not only important for our career, it's also important for our social relationships. Education makes a man ready and logical. In every corner of our country, even in our beloved state Bihar, many social pathological problems, racism, criticism, rigidity, etc. So education can only change our world as well as environment. So everyone in our country should be educated, and we should help others to be educated. My school, Mount Literacy School, having over 150 branches all over India, is providing relentless support in spreading modern English education all over the country. So think education, think Z-Learn. Thank you and have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Bharat. Woo! Thank you, Jyoti, for your motivational speech. Nice, yaar. So moving further, we have a dance on women empowerment. डांस में आगे बढ़ने से पहले वुमेन डिपार्टमेंट पे मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। भारत, भारत एक ऐसा देश है जिसकी आजादी के बाद वुमेन्स को सबसे पहले अपना अधिकार मिला था, और भारत को छोड़कर दुनिया में बाकी ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसे आजाद होने के बाद तुरंत ही उसे वुमेन्स का अधिकार मिल गया हो, चाहे वो फ्रांस हो, अमेरिका हो, रशिया हो या फिर जर्मनी हो। जब फ्रांस आजाद हुआ था तो उसके बाद वुमेन्स को आजादी नहीं मिली थी, उसके लगभग 10 या 16 साल बाद वुमेन्स को अपना वोटिंग का अधिकार मिला था और बाकी सभी अधिकार मिले थे। सो We should You can do it, bro. We should be proud to be an Indian. India is the only country who given the voting rights to the women as they get independence. So friends, in next performance होने वाला है यहाँ पे, देख सकते हैं। और मतलब माउंट लिटर जी स्कूल जो कि हार्डवेयर में बच्चों लोगों का कार्निवाल होता है, देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट परफॉर्मेंस होने वाला है।
बड़ी के मौके तो मिले गए, लेकिन हर काम औरत के बस का हो ये जरूरी तो नहीं। एक वक्त था जब यही कह के समाज औरतों को पढ़ाई के लायक नहीं समझता था, आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बाय द वे, आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख पढ़ क्या लिया, उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही? लोग गलत मतलब निकालेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। बसेस में बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब सर तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसमें अपनी एनर्जी बर्बाद ना करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वही बहुत है।